प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के वार्षिक राशिफल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच.एस. रावत। हमने अभी तक आपको मेष राशि से लेकर के कुंभ राशि तक की आपको जानकारी दी। आज आपको देंगे अंतिम राशि मीन। मीन राशि का जनवरी का महीना, फरवरी का और दिसंबर 2012 तक कैसा रहेगा। मीन राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति आपके धनभाव पर विराजमान है। पैसा कमाते रहेंगे आप, कैरियर के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रखें कि पाप कर्तरी योग आपके विवाह स्थान के दोनों तरफ है। एक तरफ उच्च का शनि, एक तरफ मंगल, तो आपकी मैरिज लाइफ बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहेगी। आपके भाग्य स्थान पर राहु का वृश्चिक राशि के अंदर विराजमान होना आपके पिता के लिए अच्छा नहीं है, आपके भाग्य के लिए अच्छा नहीं और स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन जनवरी के अंदर आपके कर्म भाव पर सूर्य विराजमान रहेंगे तो आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, सुख साधन आपके पास लगातार बने रहेंगे। जैसे ही आपका फरवरी का महीना आएगा, फरवरी के महीने के अंदर भी कालसर्पयोग का प्रभाव तो आपको रहेगा, लेकिन गज के सी राजयोग आपके धनभाव पर बनेगा, केंद्र में फ्लक्चुएशन आ रही है, तो इसका मतलब आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर बहुत जबरदस्त इफेक्ट आने वाला है। तो आप एक पार्श्विक योग की पूजा करें, पुखराज नग एक पहन के रखें और आप मोती भी साथ में धारण कर सकते हैं, साथ में मंगल राहु शनि सूर्य केतु की आप पूजा भी करा लें। मार्च के महीने के अंदर बुध नीच होकर के आपके सिर के ऊपर आके आपकी राशि के अंदर बैठ जाएंगे। आपकी राशि में बुध का नीच प्रभावित होना पत्नी के स्वास्थ्य को खराब करेगा, मां के स्वास्थ्य को खराब करेगा, आपको खुद को स्किन की प्रॉब्लम भी लगातार बनी रहेगी। और यहां पर आपकी लगन इतनी पीड़ित हो रही है, आपकी राशि इतनी पीड़ित हो रही है जिसके कारण आपके स्वास्थ्य में डिस्टर्बेंस आएगी। तो आपको दोबारा से एक वैदिक पूजा करानी है शनि राहु सूर्य मंगल केतु की, तो उससे अच्छी स्थिति इंप्रूवमेंट आपके आने के योग बनेंगे। जैसे ही आपका अप्रैल का महीना आएगा तो आपकी राशि के अंदर ही नीच के बुध के साथ सूर्य विराजमान हो जाएंगे जो रोगे से उकरेंगे, तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा। इस स्वास्थ्य को बचाने के लिए आपको एक माणिक भी साथ में पहनना है और साथ में आप सूर्य को जल चढ़ाते रहें। आपके भाग्यस्थान पर राहु की दृष्टि सीधी आपके सूर्य के ऊपर आती है, पाप कर्तरी योग लगातार बना हुआ है जिसके कारण आपकी लगातार हेल्थ में गिरावट रहेगी। लेकिन आयु को खतरा नहीं रहेगा क्योंकि आयु का स्वामी आपका शुक्र स्वराशि के अंदर विराजमान रहेगा जिसके कारण आपको बचाव होता रहेगा। जैसे मई का महीना आएगा, फिर भी मई के महीने के अंदर आपका रोगेश और कर्ज का स्वामी होकर के आपके धन के घर में बैठा है, आप कोई नई चीज खरीद सकते हैं जिसके कारण आपके पास बैंक बैलेंस है वो नहीं रुक पाएगा। और नीच बुध के कारण आपकी स्किन की प्रॉब्लम, मन में तनाव, इरिटेशन आपको लगातार बनी रहेंगी, पाप कर्तरी योग का इफेक्ट आपकी जिंदगी में चलता रहेगा, इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जून के महीने के अंदर कालसर्प योग आपकी कुंडली में प्रभावित होगा, साथ में आपका शनि बकरी होकर के दोबारा कन्या राशि विवाह स्थान में आ जाएगा जिसके कारण आपकी मैरिज में डिस्टर्बेंस आ सकती है, पत्नी के साथ दोबारा से टेंशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जो आपके ऊपर प्रभाव चल रहा था पाप कर्तरी योग का वो तो हट जाएगा। आपके तीसरे भाव पराक्रम स्थान के अंदर चार ग्रहों पांच ग्रहों की युति के कारण आप बड़ी हिम्मत के साथ काम करेंगे, लेकिन कालसर्प के कारण आपके परिवार के अंदर कोई तकलीफ जरूर आ सकती है। जैसे जुलाई का महीना आएगा कालसर्प योग बदस्तूर आपके ऊपर चलता रहेगा, लेकिन मंगल शनि आपके विवाह स्थान में आ रहे हैं। मंगल शनि का विवाह स्थान में आना, चौथे भाव में सूर्य के आना, आपकी शादी टूट जाएगी या आपका कोई प्यार चल रहा है वो ब्रेक हो जाएगा, आप लीगली अलग हो सकते हैं। इसको रोकने के लिए आपको यहां पर शनि मंगल और सूर्य राहु केतु की पूजा कराना जरूरी होगा, क्योंकि आपके विवाह स्थान के ऊपर मंगल शनि बैठ करके आपकी पत्नी के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब कर सकते हैं या उनको मृत्यु तुल कष्ट भी दे सकते हैं। जैसे ही आपका अगस्त का महीना आएगा तो अगस्त के महीने के अंदर जो सिचुएशन है आपकी, मंगल शनि की लगातार ऐसी चल रही है, पत्नी के ऊपर मंगल शनि बैठे हुए हैं लेकिन सूर्य का इफेक्ट कम हो गया है और राजयोग कारक शुक्र आपके केंद्र में आ जाता है, तो रिकवरी होगी, दोबारा से कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन जो डैमेज हो गया है वो तो हो ही जाएगा, इसको रोकना बड़ा असंभव हो जाएगा। इसको रोकने के लिए आप कालसर्प योग की पूजा जरूर करा लें। सितंबर के महीने के अंदर विवाह स्थान से हट करके मंगल शनि मृत्यु स्थान में जा रहे हैं, एक नेगेटिव योग आता है, बड़े भाई के लिए खतरनाक योग आ रहा है, पुलिस केस मुकदमे के लिए खतरनाक योग आ रहा है, लेकिन आपकी कुंडली के अंदर सुधार, आपकी राशि के अंदर सुधार आ जाता है।
कालसर्पयोग का इफेक्ट जरूर आपके ऊपर एक पक्ष में रहेगा, उस पक्ष से निजात पाने के लिए इसकी पूजा कराइएगा। मंगल शनि की युति, अगर कोई बच्चे पैदा होते हैं आपके घर के अंदर तो उनके मंगल शनि की युति का और एक सूर्य की युति के प्रभाव को कंट्रोल करने के लिए इनकी शांति अवश्य कराइएगा, नहीं तो आने वाला जो बच्चा है वो इतने बुरी तरीके से मंगलिक में फंस जाएगा जिसके कारण आपको तकलीफ हो जाएगी। जैसे ही आपका अक्टूबर का महीना आएगा, अक्टूबर के महीने के अंदर शनि की युति को छोड़कर के मंगल राहु के साथ जा रहे हैं, मीन राशि वालों राहु मंगल की युति आपके भाग्य स्थान पर यह काफी खतरनाक योग बना रही है। इस स्थिति के अंदर आपके पिता को हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, आपके छोटे भाई को कोई दुर्घटना हो सकती है और कालसर्प योग आपको यहां पर काफी डैमेज कर रहा है, आपकी हेल्थ को लगातार खराब कर रहा है। सूर्य और बुध आपके विवाह स्थान पर आ रहे हैं, आपकी रीमैरिज होने का योग या आप दूसरी शादी की तैयारी भी कर सकते हैं, आपको ये बेनिफिट्स आ रहा है। जैसे ही आपका नवंबर का महीना आएगा तो राहु मंगल का अंगारक योग भाग्य स्थान पर चलता रहेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ आपको आ रही है कि आपके पेट में तकलीफ हो सकती है, आपको हार्ट को तकलीफ हो सकती है, क्योंकि सूर्य नीच होकर के बीमारी का स्वामी होकर के मृत्यु स्थान में शनि के साथ आएंगे। शनि और सूर्य की युति, राहु और मंगल की युति, ये लगातार नेगेटिव योग बना रही है, लेकिन ये ध्यान रखें कि गुरु चंद्रमा का गज केसी राजयोग इसको काफी कम करेगा और आपके विवाह स्थान पर नीच के शुक्र आपकी राशि परिवर्तन करके आपके मैरिज को डिस्टर्ब कर रहे हैं, साथ में आपके पत्नी के स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। लेकिन कैरियर के लिए अच्छा रहेगा, विदेश के लिए अगर आप रवानगी लेना चाहते हैं तो आपको बेनिफिट्स होंगे। जैसे ही आपका दिसंबर का महीना आएगा तो दिसंबर के महीने के अंदर राहु अपना राशि परिवर्तन कर लेगा और सूर्य और राहु की युति यहां पर आ रही है, एक योग खराब लगातार चल रहे हैं, सूर्य मंगल की युति, सूर्य राहु की युति, सूर्य शनि जी की युति, इन युतियों के लिए आपको मीन राशि वालों हर वक्त आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3-4 महीने जो रहेंगे इसमें आप पूजा करा लें तो आपके लिए लाभ रहेगा। ये था दर्शकों पूरे साल का राशिफल। आप भी जानना चाहते हैं या आप इसको बनवाना चाहते हैं या इसकी सीडी लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी क्लासें 1 जनवरी 2012 से शुरू हो रही है, ज्योतिष सीखने वाले विद्यार्थी ज्योतिष में एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन घर बैठे भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऑनलाइन व्यवस्था भी हमने की है। अभी समय आपसे हाथ लेने का, नए साल की शुभकामनाओं के साथ कि नया साल आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो और ये राशिफल जैसा बताया है कि इसमें जो बुरे योग हैं इनको आप ठीक करें और अच्छे योगों का आप लाभ उठाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं पूरे देशवासी और पूरे संसारवासियों के लिए। अभी आपसे हाथ लेता हूं, नमस्कार। प्रिय दर्शकों आप सबके लिए खुशखबरी, मैं 1 से 9 जनवरी दिल्ली व नोएडा, 10 कोटा, 11 सूरत, 12 पूना, 13 गोवा, 14 15 16 17 18 मुंबई, 19 भोपाल, 20 जबलपुर, 21 कानपुर, 22 गोरखपुर, 23 बरेली, 24 अमृतसर, 25 जनवरी चंडीगढ़ में रहूंगा, इसके अलावा 26 से लेकर 29 तक दिल्ली, 30 आगरा व 31 जनवरी मैं झांसी में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स हैं 09212296090, 09212860। प्रिय दर्शकों आप सबके लिए खुशखबरी, हमारे विद्यालय की दिल्ली ब्रांच, नोएडा, चंडीगढ़, मुंबई, लुधियाना ब्रांच के अंदर एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जो व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसकी क्लासें 1 जनवरी 2012 से प्रारंभ होंगी। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट जन्मपत्री व पंचांग अध्ययन, कुंडली मिलान व विवाह मुहूर्त, फलित ज्योतिष, हस्तरेखा, रतन ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, व्यवसाय ज्योतिष, अंक ज्योतिष, चिकित्सा ज्योतिष और प्रश्न ज्योतिष की जानकारी दी जाएगी। एडमिशन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। आप निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स हैं दिल्ली 9999886090, नोएडा 9811114156, चंडीगढ़ 9814022886, मुंबई 9820114429, लुधियाना 9814633।
3018। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर H.S. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए VPP, DD, मनी ऑर्डर या हमारे SBI बैंक अकाउंट नंबर 3034024646466 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर H.S. रावत जी द्वारा घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा ईमेल एड्रेस है hsrawat_astro@yahoo.com। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 0222670793। मोबाइल नंबर 9821124129।